नमस्कार, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 3 की शिक्षक डायरी है, जो होगी 28 नवंबर से लेके 3 नवंबर 2022 तक की। साप्ताहिक शिक्षक संदर्श का एवं कार्य पुस्तक के अनुसार देखेंगे तो सप्ताह संख्या आपका 16 रहेगा। तो इस सप्ताह की क्या कार्य योजना है और बच्चों को क्या पढ़ाना है और शिक्षक डायरी में क्या लिखना है, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को फुल वॉच करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक करना और वीडियो अधिक से अधिक शेयर करना। तो करते हैं प्रारंभ। सर्वप्रथम हम देखते हैं आपका पहला दिन रहेगा 28/11/2022। इस दिन है आपका अवकाश, गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस यहाँ पर अंकित कर देंगे, क्योंकि यह अवकाश अभी 24 नवंबर का था लेकिन वहाँ से रद्द कर दिया गया था। अब 28/11/2022 में अवकाश रहेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे। इसका PDF आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके बाद हम चलते हैं, हम नेक्स्ट डेट यानी 29/11/2022 में लिख लेते हैं यहाँ पर हमें क्या अंकित करना है। तो सर्वप्रथम कक्षा में आप देख रहे हैं 3 लिखेंगे, विषय में हमारे भाषा, पंखुड़ी और सहज का प्रयोग करेंगे, गणित, हमारा प्रवेश और सहपाठ्यक्रम, ये हमारे विषय हैं आज के। यहाँ देखेंगे मौखिक भाषा में तो सामाजिक एवं भावनात्मक जुड़ाव हित सुपर हीरो की शक्ति पर कार्य करेंगे, डिकोडिंग में देखेंगे तो ई की मात्रा की पहचान पर कार्य करेंगे और पंखुड़ी किताब का प्रयोग करेंगे। जब कल अवकाश था तब कल की भी यही शिक्षण योजना थी, ई की मात्रा की पहचान पर कार्य। लेखन में हम देख लेंगे तो हिंदी वर्कबुक से पाठ संख्या 88 और 89 पर अभ्यास कार्य कराना रहेगा। यहाँ सहज पठन में देखेंगे तो सहज बन से अतिरिक्त पाठ हाथी आया गांव में पढ़ेंगे छात्र। अब गणित में देखेंगे तो शिक्षण योजना 1-2 यहाँ पर रहेगी। यहाँ देखते हैं पहली जो शिक्षण योजना थी इस सप्ताह की, वो है 2 और 3 अंकों की संख्याओं में बड़ा, छोटा और बराबर की पहचान सिखाना रहेगा। और जो दूसरी शिक्षण योजना है, नोटों और सिक्कों की व्यवहारिक उपयोग सिखाना रहेगा, इन दोनों पर हमें आज कार्य करना है। वहीं गणित बुक की जो वर्कबुक है उसका पेज संख्या आप देखेंगे तो 124 और 123 पर अभ्यास पत्रक आपको दिए गए हैं, उन पर हमें कार्य कराना रहेगा। अब आता है हमारा प्रवेश, यहाँ पर पाठ आपका 10 रहेगा, स्वच्छ रहें स्वस्थ रहें, यहाँ दांतों की सफाई पर चर्चा करना रहेगा। लास्ट में जो सहपाठ्यक्रम यहाँ हम रखते हैं तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो 45 दिवसीय रीडिंग कैंपेन कार्यक्रम चल रहा है तो उससे जो भी कहानी मिलेगी आज की वो यहाँ पर हम लिखेंगे और बच्चों को सुनाएंगे। इसके बाद आएगा हमारा क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन हो जाएगा कि आज का शिक्षण कार्य सफल रहा। अब हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट डेट, इसके बाद 30 नवंबर 2022 में देखेंगे हमें क्या यहाँ पर लिखना है, महीने का लास्ट दिन रहेगा। मौखिक भाषा में हम देखेंगे तो चित्रात्मक घटनाक्रम पर कोई चित्र चार्ट लेंगे, उस पर चर्चा करना रहेगा। डिकोडिंग में देखेंगे तो सहज स्त्री में ज्ञा औ और ऋण की पहचान पर कार्य करेंगे। लेखन में हम देखेंगे तो हिंदी वर्कबुक से पाठ 90 पर अभ्यास कार्य कराना रहेगा। यहाँ सहज पठन में देखेंगे तो सहज बन से अतिरिक्त पाठ राम साहे की साइकिल पढ़ेंगे छात्र। अब आएगा मध्याह्न भोजन, उसके अगर्त में देखेंगे शिक्षण योजना 3, यहाँ 3 अंकों की संख्याओं में आरोही और अवरोही क्रम सिखाना रहेगा, उन्हें हम कैसे लिखेंगे वो हम बच्चों को बताएंगे। गणित वर्कबुक से देखेंगे तो पेज संख्या 125 पर कार्य पत्र का आपको मिलेगा, वहाँ पर हमें अभ्यास कार्य कराना है। इसके बाद रेनबो में हम देखेंगे तो Lesson 8, लेट्स डू सम एक्शन, इस पाठ में वर्ग मीनिंग पर कार्य करेंगे, और सहपाठ्यक्रम में हमारा जो भी स्टोरी होगी आज की वो हम सुनाएंगे बच्चों को। अब क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन हो जाएगा कि आज का शिक्षण कार्य सफल रहा। अब हम चलते हैं इसके बाद, दिसंबर का पहला दिन रहेगा 1/12/2022 में देखेंगे यहाँ पर हमें क्या पढ़ाना है और बच्चों को इसके शिक्षा डायरी में क्या लिखना है। मौखिक भाषा में हम देखेंगे तो मौखिक शब्दावली विकास हेतु गतिविधि कराना रहेगा, पहचानो कौन हूँ मैं ये कराएंगे हम। डिकोडिंग में हम देखेंगे सहज स्त्री से छ श और त्रावण की पहचान पर कार्य करेंगे। लेखन में हम देखेंगे तो हिंदी वर्कबुक से पाठ 91 पर अभ्यास कार्य कराना रहेगा। सहज पठन में देखेंगे तो सहज बन से अतिरिक्त पाठ 18 राम साहे की साइकिल पढ़ेंगे छात्र। मध्याह्न भोजन होगा, उसके बाद अभ्यास गतिविधियाँ आज हम कराएंगे यहाँ पे। गणित में देखेंगे शिक्षण योजना जो 1-2-3 इस सप्ताह हमने कराई थी उसी से रिलेटेड जो भी गतिविधियाँ दी गई हैं साप्ताहिक शिक्षक संदर्शिका एवं कार्य पुस्तिका में, वह हमें करानी है। गणित वर्कबुक देखेंगे पेज संख्या 126 पर कार्य पत्र मैंने सीख लिया पर अभ्यास कार्य कराना रहेगा।
और इसके बाद हम देखेंगे हमारा प्रवेश पाठ 10, स्वच्छ रहें स्वस्थ रहें। यहाँ पर हमें हाथों की धुलाई करना और बच्चों को सिखाना रहेगा। सह पाठ्यक्रम में हमारा जो 45 दिवसीय रीडिंग कैंपेन कार्यक्रम है वहाँ से कहानी सुनाना रहेगा। अब आता है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन हो जाएगा कि आज का शिक्षण कार्य सफल रहा या फिर बच्चे सीख रहे हैं। इसके बाद हम चलते हैं 2 दिसंबर 2022 में देख लेते हैं यहाँ पर हमें क्या अंकित करना है। यहाँ देखेंगे मौखिक भाषा में सहज स्त्री से पाठ 18 शेर और खरगोश की कहानी पर कार्य करेंगे। डिकोडिंग में हम देखेंगे तो वर्ण मात्रा पहचान पर पुनरावृत्ति कार्य कराना रहेगा। लेखन में हम देखेंगे तो हिंदी वर्कबुक से पाठ 92 पर अभ्यास कार्य कराना रहेगा। यहाँ जो भी कार्य पत्रक हैं आपके हिंदी के और गणित के उसका एक वीडियो हमने बनाया है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस सप्ताह के जो भी कार्य पत्रक हैं उस वीडियो में आपको मिल जाएंगे कक्षा 3 के। आज रहेगा स्वतंत्र पठन, तो यहाँ पुस्तकालय और रीडिंग कॉर्नर से चित्रात्मक कहानी पढ़ेंगे छात्र। अब आता है मध्याह्न भोजन, उसके बाद गणित में देखेंगे साप्ताहिक अभ्यास। तो यहाँ पर जो आपकी शिक्षण योजना 1-2-3 है वहाँ से साप्ताहिक अभ्यास कराना रहेगा। गणित की जो वर्कबुक है उसके पेज संख्या 127 पर कार्य पत्रक साप्ताहिक अभ्यास पर कार्य कराना रहेगा। और रेनबो में देखेंगे तो लेसन 8 लेट्स डू सम एक्शन पार्ट छात्रों से सुना जाएगा। अब आता है हमारा सह पाठ्यक्रम, तो यहाँ 45 दिवसीय रीडिंग कैंपेन कार्यक्रम से कहानी सुनाएंगे। और लास्ट में क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन हो जाएगा कि आज का शिक्षण कार्य सफल रहा या फिर बच्चे सीख रहे हैं। अब हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट डेट 3/12/2022 में देख लेते हैं यहाँ पर हमें क्या अंकित करना है। यहाँ देखते हैं मौखिक भाषा में देखेंगे तो गर्मी के दिनों से जुड़े अनुभव साझा करना रहेगा। बच्चों से कहेंगे अपनी भाषा में अनुभव साझा करेंगे। डिकोडिंग में देखेंगे तो साप्ताहिक आकलन और रेमेडियल पर कार्य करेंगे छात्रों के साथ। इसके बाद हमारे लेखन में हमें क्या करना है, हिंदी वर्कबुक से पेज संख्या 132 पर मैंने सीख लिया पर अभ्यास कार्य कराना रहेगा। और हिंदी वर्कबुक पेज संख्या 133 पर गृह कार्य भी देना रहेगा। मध्याह्न भोजन होगा, उसके बाद साप्ताहिक आकलन, तो यहाँ साप्ताहिक आकलन और रेमेडियल पर कार्य करेंगे। इसके बाद गणित वर्कबुक पेज संख्या 128 पर कार्य पत्रक साप्ताहिक पुनरावृत्ति पर कार्य कराना रहेगा। वहीं गणित की जो वर्कबुक है पेज संख्या 129 पर गृह कार्य देना रहेगा। अब यहाँ देखेंगे संस्कृत या उर्दू, तो संस्कृत में हमारा रहेगा 8वां पाठ, यहाँ पाठ छात्रों से सुना जाएगा। सह पाठ्यक्रम में हमारा 45 दिवसीय रीडिंग कैंपेन कार्यक्रम से कहानी सुनाना रहेगा। अब आता है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन हो जाएगा कि आज का शिक्षण कार्य सफल रहा या फिर बच्चे सीख रहे हैं। तो ये थी कक्षा 3 की शिक्षक डायरी इस सप्ताह की। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।